हरे कृष्णा, आज हम वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली वरुथिनी एकादशी के बारे में जानेंगे। भविष्य उत्तर पुराण में वर्णन आता है कि एक बार युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे वासुदेव, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में कृपया आप मुझे बताएं कि इसकी महिमा क्या है और इसका पालन करने से क्या होता है। भगवान उत्तर देते हुए कहते हैं, वरुथिनी एकादशी से अधिक उदार, कृपालु और शुभ एकादशी और कोई नहीं है। यह एकादशी शुद्ध जीवन प्रदान करने वाली है। जो भी व्यक्ति पूर्ण रूप से इस एकादशी का पालन करते हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें परम आनंद की प्राप्ति होती है। जो भी इस एकादशी की महात्माएं को पढ़ता है या केवल श्रवण करता है, उसे 1000 गाय दान करने का फल प्राप्त होता है। और ऐसा व्यक्ति जन्म मरण के इस कभी न खत्म होने वाली चक्र से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त करते हैं। भगवान कहते हैं कि बहुत से श्रेष्ठ राजाओं ने भी इस एकादशी का निष्ठापूर्वक पालन किया है। जैसे एक बार पृथ्वी पर राजा मानधता को इस एकादशी का पालन करने से मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। त्रेता युग में भगवान श्री राम के पूर्वज इक्ष्वाकु वंश के राजा धुंधुमाल को शिव के श्राप के कारण कोढ़ का रोग हो गया था और दंड से वे बहुत ही असहनीय हाल में थे, लेकिन वरुथिनी एकादशी के पालन करने मात्र से इस दंड से उन्हें मुक्ति प्राप्त हो गई थी। भगवान श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि इस दिन जरूरतमंद को दान देने से करोड़ों वर्षों तक का तपस्या करने का फल प्राप्त होता है। और तो और, सूर्य ग्रहण के समय स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल इस व्रत को करने से प्राप्त होता है। कहा जाता है कि अश्वदान से श्रेष्ठ गज दान है, उससे श्रेष्ठ भूमि के दान को माना गया है, इससे भी उत्तम दान है तिल दान, इसके बाद आता है स्वर्ण का दान, इन सब से उत्तम है अन्न दान, जिससे व्यक्ति के पूर्वज और सारे देवता प्रसन्न होते हैं। लेकिन अन्य दान से भी अधिक लाभदायक है विद्या दान, जिससे हर कोई परमात्मा से अपने सोए हुए संबंध को पुनः जागृत कर सके। अब भगवान दान के विषय में सबसे गृह रहस्य बताते हैं कि इस प्रकार सबसे उत्तम दान से भी जो लाभ प्राप्त होता है, वो बहुत सरलता से वरुथिनी एकादशी के पालन करने से होता है। तो हमने इस एकादशी के पालन से प्राप्त होने वाली बहुत से लाभ के विषय में जान पाए हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात समझना आवश्यक है। सामान्य रूप से लोग किसी न किसी लाभ की कामना हेतु या अपने सारे पाप नष्ट करने के लिए या फिर सेहत के लिए एकादशी के व्रत का पालन करते हैं, लेकिन भगवान के भक्त एकादशी का पालन केवल और केवल भगवत भक्ति के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए करते हैं, जिससे भगवान प्रसन्न हो सके। आइए अत्यंत पावनकारी वरुथिनी एकादशी के दिन अन्य का वर्जन कर आप भी भगवान के नाम का अधिक से अधिक जाप करें और हरि कथा का श्रवण करें। इस व्रत का उत्साह पूर्वक और पूरी श्रद्धा से पालन करें। आप सभी को वरुथिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।